जयपुर के देवेंद्र नगर सेक्टर 1 के निवासी राजेश राम टेके ने शहीद हेमू कलानी वार्ड 28 के कांग्रेस पार्षद हरदीप सिंह उप बंटी ओरा के कार्य रोड नाली सामुदायिक भवन जो भाजपा की सरकार में वार्ड का विकास नहीं हुआ था, इस बारे में पूरब टाइम्स को अपने विचार कुछ इस तरह से बताए। मैं राजेश रामटेके हेमू कलानी वार्ड देवेंद्र नगर सेक्टर 1 से हूँ। सर, आपके जो पार्षद है उनके बारे में कुछ बता सकते हैं, उनके कार्य के बारे में कुछ बता सकते हैं? हमारे जो पार्षद हैं हरदीप सिंह होरा और बंटी, उन्होंने इस वार्ड के लिए इतना कुछ किया कि जितना पिछले 15 सालों में नहीं हो पाया था। उन्होंने अपने पिछले 4 सालों में इतना काम किया है कि रोडें, नाली, कचरा और जहाँ जहाँ सामुदायिक भवन बनने थे, जहाँ उद्यान थे, वहाँ पे हर उद्यानों को उन्होंने बहुत अच्छे से संवारा, सजाया, लोगों को उठने बैठने लायक बनाया। आज नालियों के ऊपर पूरा ढक्कन है जिसकी वजह से गंदगी नहीं होती, मच्छरों से तकलीफ नहीं है, पूरी साफ़ सफाई, हर दिन कचरा उठ जाता है समय पे। ऐसी कोई जगह नहीं बस्ती जहाँ पे कि आपको लगे कि हाँ गंदगी है, क्योंकि ऐसा पार्षद हमें पहली बार मिला कि जो हमारे कॉल पे उसका समाधान कर देता है। उन्होंने ग्रुप भी बना रखा है वार्ड समस्या समाधान, जिस जहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सभी लोग उसमें अपने डालते हैं समस्याएं और उसको सेकेंड डे या उसी दिन तुरंत उसका निराकरण हो जाता है। इसलिए हमारे लिए पार्षद बहुत आदरणीय है और महत्वपूर्ण भी कि ऐसे पार्षद हमें बहुत कम मिल पाते हैं। इनके पहले जो बंटी होरा जी के पहले इनके जो पहले जो पार्षद थे उनके बारे में, कार्य के बारे में थोड़ा बता सकते हैं सर? उनका कार्य भी बहुत अच्छा था लेकिन जो समस्याएं थी उनका निराकरण नहीं हो पा रहा था, उनको बोलना पड़ता था, बताना पड़ता था। इन्होंने क्या किया, सभी लोगों को एक ग्रुप बना के जोड़ दिया कि आपकी समस्याएं जो भी हैं आप इसमें डालिए, आपकी समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा। सब कांग्रेस पार्टी से जुड़े कितने वर्षों का अनुभव है कुछ बता सकते हैं? कांग्रेस से जुड़े तो आज मुझे 30 से 35 साल हो गए। और 30 से 35 साल का अनुभव बता सकते हैं, जैसे कि कुछ अभी तक कार्यकर्ता के रूप में होंगे या कुछ भी पद के, कुछ बता सकते हैं इस अनुभव को? इस अनुभव को मैं यही साझा कर सकता हूँ कि हम एससी समाज से रिलेटेड हैं। कांग्रेस सरकार की जो नीतियाँ थी वो हर समाज के लिए समान थी, ऐसा नहीं कि ये छोटा है, ये बड़ा, ये ब्राह्मण, ये ऐसा कुछ नहीं था उनका। उन्होंने हर समाज को लेके एक साथ चला, एक साथ सबको साथ रखा, इसीलिए विकास होता गया। जिस क्षेत्र में आपके जो विधायक आते हैं सर, उनके कार्य के बारे में बता सकते हैं सर कुछ आप? हमारे विधायक श्री कुलदीप जुनेजा जी हैं, जिनकी वजह से ही मैं काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हुआ कांग्रेस की तरफ। उनका स्वभाव इतना अच्छा था कि उनको किसी भी चीज़ का बोलें वो तुरंत उनका निराकरण करते थे। इसके पहले विधायक होने के पहले वो पार्षद थे, पार्षद के रूप में वो इतने फेमस हुए थे कि वो एक चौक में बैठते हैं, आने जाने वाले लोगों से मेल मुलाकात, यानी उनसे मिलना ऐसा कठिन और दुश्वार नहीं है कि वो नहीं मिल सकते हैं। आपका एक फ़ोन करिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, आपसे मिल लेंगे, आपसे बात कर लेंगे, आप किसी भी फंक्शन में बुलाइए, हमेशा अवेलेबल होते हैं। कभी उन्होंने अपने विधायक पद का गलत नहीं उपयोग किया, जो भी किया जनता की भलाई के लिए। ऐसा विधायक हमें उत्तर क्षेत्र के लिए हमेशा के लिए चाहिए, ऐसा विधायक जो पूरी समस्याओं का समाधान करे। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो कोई ये बोल दे कि कुलदीप जुनेजा जी अच्छे नहीं हैं, उनकी हर कोई तारीफ करेगा क्योंकि उस लायक है और हमारी समस्याओं को बैठ के सुनते हैं और उनका तुरंत निराकरण भी करते हैं। आज उन्हीं की वजह से हमें अंबेडकर सांस्कृतिक भवन के लिए 50 लाख का CM के थ्रू हमें दान भी प्राप्त हुआ, जो शिव डहरिया जी के थ्रू, डहरिया जी ने उनको पास करवाया। कुलदीप भैया से मदद मिलने के बाद हमारा 50 लाख का डोनेशन पास हुआ और आज कुछ दिनों में काम चालू हो जाएगा। सर, जैसे कि आपकी सरकार है कांग्रेस पार्टी की सरकार, शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या कार्य कर रही है और आपके वार्ड में क्या उपलब्धियां है, ये बता सकते हैं सर कुछ आप? शिक्षा के क्षेत्र में तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अभी जो हमारे पिछले 5 सालों से भूपेश बघेल जी जो CM रहे हैं, उन्होंने हर क्षेत्र में विकास किया है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं कि उसमें हम ये बोल दें कि सरकार ने अच्छा काम नहीं किया, हर क्षेत्र में किया। शिक्षा क्षेत्र में बोल लीजिए, हेल्थ के क्षेत्र में बोल लीजिए, अभी जो आयुष्मान कार्ड जो बन रहा है, हर किसी का रिन्यू हो रहा है, राशन कार्ड बन रहा है, राशन कार्ड में आपको हर सुविधाएं दे रहा है, जो गरीब तबके के लोग हों या मिडिल फैमिली के लोग हों। शिक्षा क्षेत्र में भी उन्होंने अभी ये स्टार्ट किया है कि कॉलेज से जो बच्चे आना जाना कर रहे हैं उनके लिए बस की सुविधाएँ दे रहे हैं, बुक्स दे रहे हैं, और इससे अच्छी सुविधा तो शिक्षा क्षेत्र में और क्या होगी कि बच्चे स्कूल से आना जाना कर रहे हैं। सर, जैसे बढ़ती महंगाई को देख कर केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है, सिलेंडर के दाम बढ़े हुए हैं, टमाटर के दाम कुछ दिन पहले तो 200 से 250 समथिंग चल रहे थे और अभी तो डीजल पेट्रोल में दाम तो महंगे ही हुए, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो गरीब व्यक्ति आदमी
ये ज्यादा खाने पाने की चीज और जैसे कि गाड़ी मोटर, जैसे गाड़ी में जैसे हम जैसे रोज जाते हैं तो हमको पेट्रोल ज्यादा लगता है और जिस पेट अभी टमाटर के हाल ही में दाम 250 उसमें उस विषय में कुछ बता सकते हैं सर, महंगाई के बारे में केंद्र सरकार कुछ बोल पाएंगे सर आप? केंद्र सरकार की नीतियाँ हैं बहुत अच्छी नीतियाँ हैं, मैं उनको गलत नहीं बोलता, लेकिन कभी कभी शायद अब कुछ हालात क्योंकि ऐसे हो जाते हैं, टैक्स बढ़ते हैं, टैक्स का लोड जनता पे ही पड़ता है, अब वो टैक्स बढ़ते हैं इस वजह से पेट्रोल भी बढ़ रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है। अब जो टमाटर से रिलेटेड था वो किस वजह से हुआ उतना तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि पहले बहुत आसमान छू रहे थे टमाटर, लोगों की पहुँच के दूर दूर थे, आज वो कम हो गए हैं। बाकी महंगाई तो उस बारे में मैं नहीं बोल पाऊंगा कि महंगाई की दर कम होगी या ज़्यादा होगी, लेकिन पेट्रोल और डीजल के रेट थोड़े से कम होने चाहिए ताकि आम जनता अपना उसको अच्छे से सदुपयोग कर सके। सर अभी कुछ दिन पहले की बात है, मतलब बंटी होरा जी ने विधायक प्रतिनिधि के नाम से प्रस्ताव किया है तो दावेदारी पेश की है, तो उस विषय में कुछ बोलना चाहेंगे सर आप? देखिए वो पार्षद बहुत अच्छे हैं, जनता उनको बहुत प्यार करती है और वो हर काम अच्छे से करते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं है, वो दावेदारी प्रस्तुत किए हैं तो उनकी काबिलियत है इसलिए उन्होंने दावेदारी प्रस्तुत की है। सर जैसे कि हमारे कुछ युवा है, बहुत सारे युवा बोल सकते हैं, रायपुर राजधानी नाम से जाना जाता है, तो वो इस युवा बहुत सारे गलत दिशा में जा रहे हैं, कुछ युवा तो नशे के तौर में क्राइम के तौर में बढ़ रह जाता है, कुछ या तो युवा को शिक्षा प्राप्त करके और हमारे भविष्य है वो, तो क्या बोलना चाहेंगे उस युवा को सर आप? आज जो युवा हैं हमारे देश के भविष्य हैं, उनको सही दिशा में लाएं, क्राइम को कम करें, नशे की चीज़ों को यहाँ बैन किया जाए ताकि लोग नशे की तरफ ना मुड़ें, उनकी मानसिक स्थिति को देख के हेल्थ वाइज उनको सपोर्ट किया जाए कि आप इस लाइन पे मत जाएं, क्राइम हो रहा है तो पुलिस प्रशासन उसमें सक्षम है कि उस चीज़ को रोक सकती है, मैं यही कहना चाहूँगा।